अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इब्राहिम जयान है। मैं ग्रीन वैली स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सो आज मैं वाटर साइकिल के बारे में बताना चाहता हूँ। सो क्या होता है कि जो बारिश जो पड़ता है वो इस तरह एक छोटा सा एक रिवर सा का बन के जो उसमें ठहरता है, वो जो पानी ऊपर जाकर एवोपरेट होता है और फिर बादल बनता है। फिर से उसी बादल से पानी बारिश के तरह नीचे बरसता है और फिर से वो पानी ऊपर जाता है, फिर से ऊपर से बादल बन के फिर से नीचे बरसता है। यही चीज़ फिर का होता है, इसे हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। सो ये बात आपको अभी साइंटिस्ट ने हम लोगों को बताया है, लेकिन कुरान में बहुत से सालों से पहले ही इसमें नाजिल कर दिया है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि ऐसा ही कुछ होगा और बादल एक दूसरे से टकराएगी और बारिश होगी। सूरह में आयत नंबर सूरह नंबर 20 पर है और आयत नंबर 40 पर तीन में अल्लाह ताला ने कहा है कि पानी जो है हवा से ऊपर जाएगी और बादल बनेगी और बादल एक दूसरे को टकरा कर फिर उसमें से पानी निकल के जो नीचे बनेगी उसे बरसात कहते हैं। ये